ठीक है, जो मेरी पहली आईपीएस की जॉब लगी थी ना, मैं मजा एक किस्सा सुनाता हूँ। तो जब मुझे कॉल आई, मैंने इंटरव्यू दिया, सब चीजें हो गई, उसमें मुझसे टीएसएस आरएफ सर्वे के बारे में पूछा था, ऑफर हो गई। जब मैंने ज्वाइनिंग दी तो मुझे कहा गया आईबीएम इंजीनियर जॉब है तुम्हारी, ठीक है, जो टाइटल है, ठीक है। तो 3 दिन तक मैं ये समझता रहा कि आईबीएम वो जो कंप्यूटर्स बनाते हैं ना कॉम्पैक्ट वाले, वो मेरी जॉब लगी है, उसमें कोई सिस्टम इंजीनियर, कोई कंप्यूटर वम्प्यूटर या नेटवर्किंग का कोई काम है। जब मुझे आईडी बैज मिला, उस पर लिखा होता आईबीएम इन बिल्डिंग नेटवर्क्स इंजीनियर, मीन्स आईबीएस इंजीनियर। तो फिर पता चला कि आईबीएस यानी इन बिल्डिंग नेटवर्क या डैश जो अमेरिका में है, और आईबीएस, ये तीनों एक सी चीजें हैं, ये होती है इंडोर के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इंडोर सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें दो किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, एक लो कॉस्ट एक हाई कॉस्ट, ठीक है। लो कॉस्ट में क्या आ जाता है कि वो हमारा बीजीए ऑफ एयर सॉल्यूशन है, रिपीटर, यानी उसका वेरी सिंपल, ठीक है, उसका। और उसको लो कॉस्ट में भी इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें इतना इक्विपमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, तो इतनी कॉस्ट भी नहीं हमें चाहिए, प्राइसिंग नहीं होगी इतनी ज्यादा। प्लस में इसके साथ एक और चीज होती है कि ये सिर्फ हमारी ना कवरेज इनहेंस करता है, ठीक है, ये हमें कैपेसिटी नहीं देता, ठीक है। और ये मोस्टली हम यूज करते हैं जहाँ पे हमारे किसी बिल्डिंग में सिग्नल्स वीक है, सिग्नल्स एम्पलीफाइड है, वहां पे कवरेज का इशू नहीं है, लेकिन सिग्नल वो क्या कहते हैं कि ब्लैक होल्स हैं कवरेज के, तो वो फिल करने के लिए हम रिपीटर सॉल्यूशन लगाते हैं। और मोस्टली ये स्मॉल ऑफिसेज और दूसरे हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह, वहां पे जहाँ पे इशू हो ज्यादा, तो वहां पे ये लगते हैं। अब इसका आर्किटेक्चर ना वेरी सिंपल है, देखो, एक तो ये हो गया टावर जो हमारे एग्जिस्टिंग लगे हुए हैं, ठीक है, और दूसरी सपोज ये हमारे बिल्डिंग है 3 फ्लोर की, ठीक है, इसमें इधर एक और बिल्डिंग है, यहाँ से सिग्नल तो ट्रांसमिट हो रहा है, इसमें हिट हुए, इसमें सिग्नल अच्छा है, लेकिन ये बिल्डिंग इसके पीछे है तो इसमें कम है सिग्नल, तो इसको इसकी कवरेज एनहेंस करने के लिए हमने प्रपोज, सपोज क्लाइंट ने कहा कि हमें ऑफ एयर सोल्यूशन लगाना है, ठीक है। तो क्या होगा कि सबसे पहले आप रूफ टॉप पे भी आउटडोर भी वो रिपीटर आते हैं और इंडोर भी, आप रिपीटर यहाँ लगाया, ठीक है, और फिर आगे एक एंटीना यहाँ ओमनी लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, ये 2-वे स्प्लिटर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको फीड करने के लिए आपको ऊपर रूफटॉप पे यागी एंटीना लगाना होगा, समझ रहे हो, यहां से कोएक्स केबल आएगी एम्पलीफायर में इनपुट। अब ये क्या है, इसका काम है कि बाहर से एग्जिस्टिंग सिग्नल पकड़ना, ठीक है। जब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसके डोनर हम जो पीसीआई और ईआरएफसीएन चैनल जो होते हैं वो हम इस साइड के डालेंगे, या यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल आ रहा है वो वाले डालेंगे, तो इसको इसके साथ कॉन्फ़िगर कर दिया। तो ये अब एंटीना एम्पलीफायर क्या है, अगर हमने इसको इसके साथ कमीशन किया कॉन्फ़िगर, तो ये सिर्फ इसी से कम्युनिकेशन शुरू कर देगा, ट्रांसमिट भी और रिसीव भी, ठीक है। और यहाँ पे एम्पलीफायर है, उसने वीक सिग्नल पकड़ा, उसमें एड ऑन करके ट्रांसमिट कर दिया, आपका इस बिल्डिंग में सिग्नल एनहेंस हो गया, ठीक है। और इसका जितना भी ट्रैफिक होगा वो सारा जाएगा इस सेक्टर पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लो कॉस्ट सॉल्यूशन पहला, इसे कहते हैं ऑफ एयर सॉल्यूशन, बीडीए सॉल्यूशन, रिपीटर सॉल्यूशन, ठीक है। ये अब यानी अमेरिका में तो बहुत ही रेयर लगता है, हटा दिया है, ठीक है, क्योंकि इससे ना इंटरफेरेंस पैदा होती है, ठीक है। और इंटरफेरेंस कैसे होती है, अब इसका भी थोड़ा सा बता दूं कि सपोज यहाँ पे एम्पलीफायर है ना, ठीक है, इसने वीक सिग्नल पकड़ा बाहर से यागी एंटीना के थ्रू, ठीक है, वीक सिग्नल पकड़ के ट्रांसमिट किया, एड ऑन किया पावर, जब यहां से उसने सिग्नल पकड़ा, यहां से यहां तक भेजने के लिए पावर चाहिए आरएफ को,
ठीक है, तो उसने यहां से भी ट्रांसमिट में भी एक्स्ट्रा पावर डाल के इंफॉर्मेशन जब सेंड की ना, इसने जब रिसीव की, अब सेलफोन का इतना जो पावर है ना वो एंटीना पे नहीं जा रहा होता, लेकिन एम्पलीफायर का जब हाई पावर जा रहा था ना तो वो नॉइज पैदा करता है यहाँ पे, तो इस वजह से परफॉर्मेंस खराब होती है। इसलिए रिकमेंडेड अब नहीं है कि आपको रिपीटर लगाओ। इसीलिए फिर आपके लिए वो फेमटो और पिको सेल आ गए, जैसे वेराइजन और टी मोबाइल ने शुरू किए थे, छोटे छोटे डिवाइस घर पे लोकल इंटरनेट से चलाओ और एग्जिस्टिंग नेटवर्क से कनेक्ट ना हो। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा है हमारा हाई कॉस्ट, ठीक है, सॉल्यूशन जिसमें कैपेसिटी एंड कवरेज दोनों आपको मिलती है। कैपेसिटी मिलने मतलब क्या है? कैपेसिटी का मतलब ये है कि सपोज पहले मैंने तुमने बीडीए सॉल्यूशन तुम्हें सिखाया ना, ठीक है, अब वो क्या है कि उस बिल्डिंग का जितना भी ट्रैफिक है ना, क्योंकि हम जब भी एक यूजर होता है ना, जब भी किसी नेटवर्क में कनेक्ट करता है ना, तो वो एक बैंडविड्थ वहां से कर ले लेता है, रिजर्व कर लेता है टावर से, ठीक है। सपोज वो टाइम स्लॉट और ये वो तो फिर लॉजिक ही अलग है। जब सपोज एक टाइम पे 200 यूजर 200 यूजर एक्टिवली कनेक्ट हो सकते हैं एट वन टाइम, ठीक है, तो जब 201 आएगा तो यहाँ पे तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में मैंने देखा है, हमारा आ जाता था कि हम कॉल लगाते थे फौरन लिखा था नेटवर्क बिजी, इट मींस 200 यूजर्स आर ऑलरेडी यूटिलाइज्ड देयर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, यू आर द 201, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेट कनेक्टेड विद द नेटवर्क, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग बैड मैसेज लाइक अ नेटवर्क बिजी। ठीक है, तो उसमें जो हमारा पूरा ट्रैफिक था ना उस बिल्डिंग का रिपीटर के थ्रू, वो उसी सेक्टर पे जा रहा है जिसके साथ ये कंफिगर्ड है, जिसके साथ ये कमीशन है, क्योंकि ये रिपीटर को हमने एक फ्रीक्वेंसी ERFCN देना होता है ताकि वो उससे कम्युनिकेट कर सके, लिंक हो जाए। ठीक है, जो भी आपको स्ट्रॉन्गेस्ट, सपोज आपने यहां यागी लगाया ना रूफ टॉप पे, तो आपको यहां पे देखना होगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल कौन सा आ रहा है, या पता आपके बैक पे कोई दूसरा टावर हो, सही है, क्योंकि जब आप इसका सर्वे करने जाते हो ना, तो रूफ टॉप पे जैसे उस दिन हम देख रहे थे कि रूफ टॉप पे जाके देखते हैं यार स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल किसका आ रहा है, तो वो राइट डाउन कर लेते हैं उसके साथ इंफॉर्मेशन दे के कैरियर से ये कर लेते हैं। अब कैपेसिटी जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, अब क्या है इसमें, देखो ई नोड पी या BTS ये इन्वॉल्व नहीं है लो कॉस्ट में, ठीक है, क्योंकि वो लो कॉस्ट था, आपका 1500-2000 का है रिपीटर, 200-300 का यागी, 200-300 की ओमनी, ठीक है, 200-300 की आपकी फाइबर हो गई, 100 रुपए का स्पेक्युलेटर आता है, ये आपका $3,000-4,000 में आपका लग जाता है। लेकिन जब हम हाई कैपेसिटी की बात करते हैं तो हमारे BTS भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है, सबसे पहले BTS है, फिर उसके बाद अब इसमें भी ना दो सॉल्यूशंस हैं, इसमें एक एक्टिव सॉल्यूशन है, दूसरा पैसिव, ठीक है, सबसे पहले पैसिव जाते हैं, क्योंकि पैसिव आता ना, पैसिव में क्या होता है, सिंपल इसका आर्किटेक्चर बताता हूं, BTS हो गया आजकल, यानी ई नोड बीज है LTE में, ठीक है, सपोज इसमें आपकी सारी एक बॉक्स बना है जिसमें आपकी सारी चीजें आ गई, RRUs, BBUs, फाइबर, ये वो, ठीक है, यहां से RRU के बाद आपको कोएक्स मिला, ठीक है, सपोज ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये स्प्लिटर लगाया, ये आपके दो एंटीना और स्प्लिटर भी पावर बढ़ा देते हैं ना? नहीं, वो पैसिव है, वो पैसिव कंपोनेंट है, वो पावर नहीं बढ़ाता,
वो डिस्ट्रीब्यूशन के काम आता है, ठीक है। स्प्लिटर, कपलर, उसका फंक्शन मैं बाद में बताता है कि वो क्यों होता है, ठीक है। अब यहां आया, सही है, इससे हमारा ये इनपुट है। अब क्या हुआ, ये हमारा है पैसिव, ये हमारा है एक्टिव, सही है। ठीक है, पैसिव क्या है, पैसिव का मतलब ये है कि ये जो डैश है डिस्ट्रीब्यूटेड एंटीना सिस्टम, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एंटीना सिस्टम। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, ठीक है। ये भी हमारा पैसिव है, कोएक्स भी पैसिव है, एंटीनाज भी पैसिव है, सही है। तो ये हमारा हो गया पैसिव सॉल्यूशन। ई नोड बी या नोड बी, बीटीएस का जो पार्ट है उसके बाद डायरेक्टली इनपुट आ रहा है आपके डैश में, इसको हम कहते हैं डैश, डिस्ट्रीब्यूटेड एंटीना सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ कोएक्स, स्प्लिटर, कपलर, एंटीनास, ठीक है। अभी वो बीटीएस बोला ना, उसमें रेडियोस रहते हैं ना, रेडियोस भी, हाँ, बीबीयूज वगैरह, जिसको आजकल हम एलटी में ई नोड बी कहते हैं, ठीक है। और यही ई नोड बी आपके आउटडोर टावर्स में भी होते हैं, उसका आर्किटेक्चर अलग है। अभी सिर्फ इसका फोकस करो, ये देखो पैसिव यानी जो सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो पावर आ गया जिसकी वजह से आपकी कवरेज इनहेंस हो गई इस बिल्डिंग में, ठीक है। इसका अपना डेडिकेटेड बीटीएस है, इट मींस कैपेसिटी भी आ गई। तुम्हारा ये जो बीटीएस है ये किसी और टावर से नहीं है, ये डायरेक्टली तुम्हारे नेटवर्क से कनेक्टेड है। अगर इसका फीड नेटवर्क, इसका फीड किधर से आ रहा है, वो जो होते हैं जीएसएसएन और ये वो गेटवेज और नेटवर्क के पीछे जो बैकबोन होती है उसके साथ कनेक्टेड है ये, ठीक है। तो तुम्हारे पास, क्योंकि ये ना किसी और टावर की, अब यानी जो जो यूजर्स है ना किसी और एग्जिस्टिंग टावर पे नहीं जा रहे, या इसका अपना बीटीएस है, डेडिकेटेड सेक्टर है, ठीक है, तो इसी में ही जा रहे हैं ये, सही है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कैपेसिटी एंड कवरेज इस कैटेगरी में आता है और ये हाई कॉस्ट सॉल्यूशन में चला जाता है, क्योंकि इसमें पहले हमें सिर्फ ये पार्ट था, एम्पलीफायर चाहिए था, लेकिन जब आप बीटीएस की बात करते हो फिर थाउजेंड ऑफ डॉलर्स की बात आ जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा पैसिव सॉल्यूशन। अब एक्टिव में क्या होता है, उसमें भी बीटीएस, ठीक है। अब इसमें वही है बीबीयूज, फाइबर, आरआरयूज, ठीक है। ये हमारा आ गया डैश, सही है। अब इसमें जो इसको एक्टिव बनाती है और ज्यादा कॉस्टली बना देती है चीज, वो आ जाती है एक्टिव कंपोनेंट्स, ठीक है। ये हमारा होता है आरयू, रेडियो यूनिट, ठीक है। ये हमारे होते हैं मास्टर और हेड एंड इक्विपमेंट, ये पार्ट, ठीक है। अब मैं बताता हूं इसका क्या फंक्शन। अब यहां से देखो, ये इलेक्ट्रिकल में पावर आया, कोएक्स के थ्रू चला, ये सिंपल सॉल्यूशन हो गया, खत्म, ठीक है। अब ये मोर कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें अब मोर कॉम्प्लिकेटेड है तो इसमें बेनिफिट्स भी ज्यादा है, ठीक है। इसको भी आप न्यूट्रल होस्ट बना सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड पावर आपका है, जो कि लॉस आपका ज्यादा हो रहा है कोएक्स रन्स में, ठीक है। आप यहां पे अगर मल्टी कैरियर कंबाइनर लगा दोगे, सपोज एटीएनटी, वेराइजन, टी मोबाइल, इसका अपना ही 10 से 12 डीबी का लॉस हो जाएगा कंबाइनर का, ठीक है। अब वो अब पावर यहां लॉस होगा तो इसकी कवरेज श्रिंक हो जाएगी, एंटीना पे पावर कम होगा। अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए फिर आए एक्टिव सॉल्यूशंस, ठीक है, कॉमस्कोप, टी जेएमए, टैको,
ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, यहां से आपका बीटीएस कोएक्स गया हेड एंड में, ठीक है। अब यहां पे ना ये डिफरेंट कार्ड्स होते हैं इनके, ठीक है, आपने देखा होगा सॉल्यूशन विजिट अगर कोई हेड एंड, सही है, ये कार्ड्स होते हैं। सपोज सेक्टर वन है, इसके कार्ड्स हैं, इसमें कार्ड में ना ये मल्टी इनपुट्स लेते हैं, मल्टी बैंड हो गए, मल्टी कैरियर हो गए, ठीक है, और उन सब को लेके वो कंबाइन करता है। इसका फंक्शन ये होता है हेड एंड का, कंबाइन करने के बाद वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को ऑप्टिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर आपकी फाइबर रन होती है टिल रेडियो यूनिट तक, ठीक है। अब इसको फीड करने के लिए हमें एक्टिव इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए होता है, क्योंकि इसका काम ये होता है सिग्नल लेके, ठीक है, उसको कन्वर्ट करे बैक टू इलेक्ट्रिकल प्लस एम्पलीफाई करे, ठीक है, और जितने भी कंबाइनिंग आ रहे हैं उन सबको लेके इलेक्ट्रिकल में करके यहां से फिर ये कोएक्स चलती है, कनेक्ट होती है इसमें, ठीक है। अब ये आपका 500 फीट पे भी जाएगा ना तो 0 dB लॉस होगा, क्योंकि फाइबर है, या मिनिमम होगा, बहुत ही माइनर, अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। चाहे आप इसको 5 किलोमीटर दूर ले जाओ, ठीक है, और इसमें क्या फायदा, आप 1 RRU नहीं, आप यहां इसके साथ 8 RRU कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहां पे क्या है कि सपोज एक बिल्डिंग है, आपको डेडिकेटेड 100 यूजर्स है, ठीक है, लेकिन आपके 200 यूजर्स हैं 3 फ्लोर पे, यहां पे आपको 50-story बिल्डिंग है और टोटल यूजर है 200, सपोज मार्केट शेयर है या कुछ है, तो आपके 200 जो हैं आपकी, यानी कवरेज ज्यादा चाहिए, कैपेसिटी कम चाहिए, सही है। तो मैंने एक ही सेक्टर लगाया, ठीक है, और उसको एक्टिव सॉल्यूशन दे के उसको यानी एक्सपेंड कर दिया RRUs लगा के, और मैंने सपोज 50-story कवर कर ली, मेरी कवरेज बढ़ गई, लेकिन कैपेसिटी कम है। यहाँ पे मेरी कैपेसिटी एक ही सेक्टर का, मैंने ये नोट भी लगाया है, तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट सेविंग किया, लेकिन मैंने कवरेज बढ़ा दी है बाय हैविंग एन एक्टिव सॉल्यूशन, सही है। तो इसका ये होता है। इसमें फिर काफी चीजें, यानी जितने आप ऐड करते जाओ ना, इसमें ये है कि आप एनहेंसमेंट ज्यादा कर सकते हो जितनी आप करना चाहो। और जो अमेरिका में है ऑलमोस्ट 100% एक्टिव सॉल्यूशन यूज होता है, बहुत ही रेयर केसेस में अभी जाके समझ में आया है कि पैसिव सॉल्यूशन पे जाएं, जिसको यहां पे इन्होंने नाम दिया है DRAN, डायरेक्ट रेडियो एक्सेस नेटवर्क, यानी BTS डायरेक्ट डैश के साथ लगा। इंडिया पाकिस्तान में ये बैक 2008-09 से चल रहा है, मिडिल ईस्ट में ये 2009 से चल रहा है, मैंने उस वक्त ये सिस्टम डिजाइन किए थे, जो कि अमेरिका में अभी हम वेराइज़न के लिए कर रहे हैं, और अभी हमने रिसेंटली T-Mobile के लिए भी जो किया है, ये जो वेटरन हॉस्पिटल वगैरह वगैरह, उसमें भी यही हमने DRAN लगाया है ना, BTS है डायरेक्ट पैसिव कनेक्टेड, और यहाँ पे 4x4 कंबाइनर लगा के छोड़ दिया फॉर फ्यूचर इफ समवन वांट्स टू ऐड ऑन, ठीक है। ये हमारे हो गए 2 सॉल्यूशन इन हाई कॉस्ट और कैपेसिटी प्लस कवरेज सॉल्यूशंस में, ये 2 आते हैं। अब इसमें फिर काफी हर वेंडर का अपना पार्ट है ये, लेकिन ये आपका सेम, आपको सिर्फ ये आर्किटेक्चर समझ में आ जाना चाहिए इसका कौन सा है। ये एक्टिव वगैरह नॉर्मली स्टेडियम में यूज होता है, हाँ हर किसी में होता है, अमेरिका में तो ऑलमोस्ट 99% यही यूज होता था, नाउ दे आर गोइंग विद द DRAN, डायरेक्ट रेडियो नेटवर्क है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड,